यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे DRL ब्लिंक करते हैं और ORVM खुल चुके हैं। बढ़िया लुक दे दिए गाड़ी को, सो उस हिसाब से की फॉब भी चेंज करते तो बहुत अच्छा लगता। वो मैकेनिज्म मेरे को काफ़ी पसंद आया इनका, तो हिडन वाइपर मिल जाता आपको इसमें, यहाँ पे आपको वाइपर मिलेगा। सो वो चीज़ मेरे को थोड़ी नेगेटिव लगी इसमें। कम्फर्ट काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर मिल जाता है, चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे पहले कंफ्यूज हो जाएगा जो भी इसमें फर्स्ट टाइम बैठेगा कि फॉग लैंप ऑन ऑफ कैसे कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे कैमरा लगा, मेरे को कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी इस बार इसमें। थोड़ा सा और पीछे जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो वॉकरॉन रिव्यू ऑफ ऑल न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट मॉडल। चलो चलते हैं बाहर और एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैस ये हमारे सामने न्यूली लॉन्च टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023 मॉडल। सो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लुक बना दी गई है इसकी। फेसलिफ्ट मॉडल में काफ़ी चेंजेस कर दी गई हैं इसमें एज कम्पेयर टू ओल्ड नेक्सॉन। तो आज की इस वीडियो में वॉकरॉन रिव्यू रहने वाला है, सभी चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें दी जाती हैं, क्या क्या चेंजेस कर दी गई हैं इसमें। तो सबसे पहले वेरियंट्स की बात कर लेते हैं। तो वेरियंट इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरियंट आ जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव एंड फेयरलेस। सो ये जो वेरियंट है ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, ये है फेयरलेस प्लस एस। तो गाइस की फॉब कुछ इस तरह से मिलता है न्यू नेक्सॉन फेसलिफ्ट में। सो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने पहले हैरियर एंड सफारी में देखा था। सो ये बिल्कुल ही सेम इन्होंने यहाँ पे की फॉब दिया गया है। सो मेरे हिसाब से इसमें भी चेंजेस कर देनी चाहिए थी, बिकॉज इतनी बढ़िया लुक दे दी है गाड़ी को। सो उस हिसाब से की फॉब भी चेंज करते तो बहुत अच्छा लगता वो। सो भी इसका वेलकम फीचर देख लेते हैं। तो वेलकम फीचर में क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो DRL है वहाँ पे ब्लिंकिंग होगी और सिक्वेंशियल आपको DRL मिलते हैं इसमें, उसी के साथ यहाँ पे ORVM भी यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये देखो, जैसे ही अनलॉक का बटन दबाया और यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे DRL ब्लिंक करते हैं और ORVM खुल चुके हैं। सो फ्रंट से ये ऐसा होता है और रियर से भी देख लेते हैं। सो रियर में भी आ गए हैं और अनलॉक कर लेते हैं। सो अनलॉक करने पे कुछ इस तरह से यहाँ पे, सो कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। और उसी के साथ यहाँ पे गुड बाय फंक्शन भी दिया जाता है। तो गुड बाय फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैं लॉक कर रहा हूँ, लॉक करने में यहाँ पे ब्लिंक हो गई है और ORVM यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। सो रियर से भी ये चेक कर लेते हैं, जैसे कि अभी अनलॉक है गाड़ी और लॉक जैसे ही कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्लिंक हो जाती है लाइट्स, काफ़ी बढ़िया से लगती हैं ये। और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा है इसका वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन। तो गाइस आपने देखा है इसमें वेलकम फीचर एंड गुड बाय फंक्शन कितना बढ़िया दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट से भी कितने अच्छे एनिमेशन होता है और रियर में भी कैसे लाइट यहाँ पे ब्लिंक करती है। सो अभी फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रंट में कुछ इस तरह से लुक आ जाती है, काफ़ी बोल्ड लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। मेरे को तो काफ़ी प्यारी लुक्स लगी इसकी। सो लुक्स में यार इतनी बढ़िया बना दी गई है ये कि आप जब भी इसको देखोगे तो आपको इसको देखने का ही मन करेगा कि लगातार इसको देखते रहो, बहुत ही बढ़िया लुक्स दी जाती हैं। कुछ इस तरह से आपको LED DRL मिल जाता है, काफी बढ़िया शेप में बनाया गया है और ये सीक्वेंशियल में आ जाता है। जैसे ही इसमें आपको वेलकम फंक्शन एंड गुड बाय फंक्शन दिखता है तो ये सीक्वेंशियली यहाँ पे चलती है, तो वो चीज काफी अच्छी लगती है। और इसी में यहाँ पे इंडिकेटर भी यहाँ पे बीच में एम्बेड यहाँ पे दिए गए हैं। सो जैसे ही इंडिकेटर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह से सीक्वेंशियल पैटर्न के साथ यहाँ पे ये वर्क करता है, तो काफी बढ़िया लगता है ये। साथ यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो बाई फंक्शनल आपको इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, काफी बढ़िया थ्रो रहता है इसका, तो को भी कोई भी आपको तंगी नहीं आने वाली है इसमें। उसी के नीचे यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि वाइट LED में आते हैं। सो जैसे ही आपने पहले नेक्सॉन देखी होगी तो उसमें आपको जो प्रोजेक्टर मिलता था वो येलो लाइट प्रोड्यूस करता था, यहाँ पे आपको वाइट लाइट मिल जाती है। नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एयर वेंट यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छे रहते हैं गाड़ी के। यहाँ पे बात कर लेते हैं, बीच में आपको यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश की गई है, काफ़ी बढ़िया लगती है। उसी के बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है। वो नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसमें 360 कैमरा मिल जाता है आपको टॉप मॉडल में। हॉर्न यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी। नीचे आप देखोगे तो बम्पर में कुछ इस तरह से डिजाइन दिया गया है, काफी बढ़िया लगता है। नीचे आपको ये सिल्वर फिनिश दी जाती है। बस अभी इसका बोनेट खोल लेते हैं और इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाता है बोनेट, और ये तो यार नॉर्मली वैसे ही ओपन होता है जैसे सभी गाड़ियों में होता है, लेकिन एक चीज़ इसमें मेंशन करने वाली है वो ये है कि इसमें यहाँ पे जो आपको हिंजेस दिख रहे हैं ये, तो ये डबल हिंज लगाया गया है, जैसे कि आप यहाँ तक उठाते हो उसके बाद आपको बिल्कुल ही सीमलेसली यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, कोई भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है, मैकेनिज्म मेरे को काफ़ी पसंद आया इनका।
तो गाइस कुछ इस तरह से आपको इंजन में देखने को मिल जाता है इसमें। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इंजन इसमें आपको मिल रहा है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड रेवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन, जो कि काफी बढ़िया पावर प्रोड्यूस करता है। 120 पीएस की यहाँ पे मैक्सिमम पावर मिल जाती है और 170 एनएम टॉर्क। सो पावर फिगर्स काफी बढ़िया मिलते हैं आपको इसमें 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन से। यहाँ पे फिट एंड फिनिश देखेंगे तो काफी बढ़िया से फिट एंड फिनिश दी गई है। जैसे आप देखोगे तो कोई भी कवरिंग यहाँ पे नहीं दी गई है, सो ये बिल्कुल ही आपको हैंगिंग में मिल जाता है और नीचे कोई भी कवरिंग नहीं मिलती है इसमें। ऊपर की साइड यहाँ पे इंसुलेशन वर्क भी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण इंजन नॉइस थोड़ी कम आएगी कैबिन में। सो वो चीज़ तो इसको जब हम चलाएंगे तभी पता लगेगा। तो ड्राइव रिव्यू के लिए भी आप वेट करना चैनल पे, जल्दी ही आपके लिए ड्राइव रिव्यू भी लाएंगे इसका। वैसे इंजन स्पेसिफिकेशन की बात होगी और यहाँ पे आप बोनेट लुक देख सकते हो। सो यहाँ पे जो कर्व दिया गया है काफ़ी बोल्ड लुक्स यहाँ पे दे देता है गाड़ी को। सो फ्रंट लुक्स आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई है कि ये जो हेडलैम्प आपको मिल रहे हैं ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। सो ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाती हैं इसमें। यहाँ पे वाइपर्स देखेंगे तो वाइपर भी आपको इसमें रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर लोडेड आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। वैसे टायर्स की बात कर लेते हैं तो टायर कुछ इस तरह से मिल जाता है। प्रोफाइल इसमें मिल जाती है 215/60R16। सो 16 इंचेस के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, नए टाइप के यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बाकी देखा जाए तो प्रोफाइल काफ़ी अच्छी दी गई है टायर की। मैं क्लैडिंग वर्क देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लैडिंग वर्क दी गई है, काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी में और काफ़ी बल्की लुक देती है गाड़ी को ये। ORVM की बात कर लेते हैं तो ORVM यहाँ पे ब्लैक में मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। उसी के साथ यहाँ पे इंडिकेटर जो दिए जाते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ब्लिंक करते हैं। सीक्वेंशियल में ये यहाँ पे नहीं दिए हैं जैसे कि आपने यहाँ पे फ्रंट में देखे थे, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छे से अपीलिंग लुक्स देते हैं ये। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, बिकॉज इसमें 360 कैमरा का यहाँ पे फीचर दिया गया है। तो 360 कैमरा की भी क्वालिटी मैं चेकआउट करा दूंगा आपको वीडियो में। व्यूइंग एरिया कुछ इस तरह से मिल जाता है, काफ़ी वाइड कवरेज मिलती है आपको इसमें। सो गाइस साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आती है गाड़ी की, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है आपको। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा आपको ओल्ड नेक्सॉन से, बिकॉज प्लेटफॉर्म काफ़ी हद तक आपको सेम दिखेगा जैसे कि पहले दिखता था। बस एक चीज़ चेंज की गई है यहाँ पे, ये जो लाइन बनाई गई है ये वाली, ये जो लाइन आपको पहले आपको आइवरी कलर या फिर सिल्वर कलर में आपको देखने को मिलती थी, वो अभी ब्लैक में दे दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश में। सो वो चीज़ें आपको चेंजेस लगेंगी और यहाँ पे ये जो एक्सटेंड किया गया है। सो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं तो लेंथ इसमें मिल जाती है 3.99 मीटर्स, विड्थ 1.80 मीटर, हाइट 1.62 मीटर्स। व्हील बेस इसमें आपको मिल जाता है 2.49 मीटर्स का, एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 208 mm की मिल जाती है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑडी पेंटेड यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, की इंसर्ट भी यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आप कट एंड कर्व्स देखोगे तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं, एनहेंस करते हैं गाड़ी की लुक्स को। एंड यहाँ पे ऊपर वाली साइड देखोगे तो आपको डुअल टोन में ही यहाँ पे आपको रूफ रेल भी देखने को मिल जाते हैं। सो भी रियर की बात कर लेते हैं तो रियर की काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लुक दी गई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक बनाई गई है इसकी। सो देखो आप यार, सबसे पहले तो आपकी नज़र जा रही होगी इसमें जो कनेक्टिंग टेल लैंप दिया गया है, एक्स यहाँ पे फैक्ट्री यहाँ पे बनाया गया है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। नेक्सॉन का एक्स जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टाटा का लोगो मिल जाता है। उसी के नीचे यहाँ पे रियर कैमरा मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है। देन यहाँ पे नेक्सॉन की लेटरिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे से की गई है, काफ़ी बढ़िया लगती है दूर से। और उसी के साथ यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी और नंबर प्लेट लाइट इसमें वाइट दी गई है। रियर में आपको इसमें 2 ही पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, 4 दिए जाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। नीचे आपको कुछ इस तरह से सिल्वर पार्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और रिवर्स लाइट यहाँ पे मिल जाती है आपको। इंडिकेटर देखो तो इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है आपको, सीक्वेंशियल में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको डिफॉगर लाइंस मिल जाती हैं और आप देख रहे होंगे यार कि ये टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल में वाइपर कहाँ पे दिया गया, तो वाइपर वो भी चीज़ एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो जाती है, जो कि है इसका हिडन वाइपर। तो हिडन वाइपर मिल जाता है आपको इसमें, यहाँ पे आपको वाइपर मिलेगा और उसी के साथ वॉशर यहाँ पे मिल जाएगा। हिडन वाइपर वाला फीचर है, ये आपने Hyundai Tucson में देखा होगा और उसी के साथ रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में आता है, वो चीज़ इसमें भी इंप्लीमेंट कर दी है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पे आप देखोगे तो रियर स्पॉइलर इतना बड़ा दे दिया गया है, यूज़ आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, जब आप कैंपिंग वगैरह जाओ या फिर कहीं भी आप रुके हो तो यहाँ पे अपने ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी रख सकते हो आप। सो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे, पूरा टेबल की तरह यहाँ पे दिया गया है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, वो भी आपको ब्लैक में मिलेगा, और ये डुअल टोन वेरिएंट है तो इसमें आपको रूफ भी ब्लैक में मिल जाता है। सो गाइस रियर से बात होगी, अभी इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं और बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। तो जैसे प्रेस करोगे
एक बार बीप होता है और उसके बाद आप ओपन कर सकते हो। इस तरह से आपको बूट स्पेस मिल जाती है, काफ़ी अच्छी आपको बूट स्पेस मिल रही है, 382 लीटर्स की मिलती है, डिसेंट बूट स्पेस लगी मेरे को इसमें। उसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि लगेज हुक काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 2 लगेज हुक मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, सो 4 लगेज हुक पीछे मिल जाते हैं। और रियर सीट्स के पास भी दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, बूट लाइट मिल जाती है, येलो में है। सो भी स्पेयर व्हील देख लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा। सो ये आपको स्टील रिम के साथ मिल जाता है, और उसी के साथ बीच में जो टूल किट दी गई है वो चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है, बैग में आपको दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60-40 स्प्लिट सीट भी मिल जाती है आपको, स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी इसमें। सो फ्यूल टैंक ओपनर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 44 लीटर्स की मिल जाती है, जो कि डिसेंट आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रही है। तो गाइस एक्सटीरियर से बात होगी, अभी इंटीरियर में चल जाते हैं। सो पहले रियर डोर एसेस कर लेते हैं। सो कुछ इस तरह से ओपनिंग मिल जाती है, काफ़ी वाइड ओपनिंग मिलती है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री आपको यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है। सॉफ्ट टच में आता है ये, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है और प्रीमियम लुक्स देती है इसको। यहाँ पे पियानो ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे ट्विटर मिल जाएगा, और इसमें आपको स्पीकर सिस्टम मिल रहा है, 8 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। ये है मैनुअल की बात, और इसमें आपको AMT एंड DCA मॉडल भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको JBL के स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। सो गाइस रियर सीट्स कुछ इस तरह से मिल जाएंगे आपको, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड की गई हैं, लेदर रेट सीट मिल रही हैं, कम्फर्ट लेवल काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को इसमें। हेडरेस्ट आपको 2 मिल जाएंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। स्पेस की बात करेंगे तो नी रूम कुछ इतना मिल जाता है, और फ्रंट सीट जो है वो मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है, मेरी हाइट है 5'10", सो उस हिसाब से आप देख लो कि कितना नी रूम मिल रहा है। अंडरसाइज स्पोर्ट की बात करेंगे तो वो भी आपको डिसेंट आपको अंडरसाइज स्पोर्ट मिल जाती है। हेडरूम की बात करेंगे तो हेडरूम भी आपको डिसेंट मिल जाता है इसमें, जो ये स्कूप्ड आउट यहाँ पे किया गया है वो चीज़ काफ़ी अच्छे से की गई है कि यहाँ पे आप आराम से बैठोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चीज़ और अच्छी लगी मेरे को कि कंफर्टेबल सीट है, जब आप इसमें बैठोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा कंफर्ट ये प्रोवाइड करती है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है विद ट्विन कप होल्डर्स, ग्रैब हैंडल आपको इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कोट हुक मिल जाएगा, राइट साइड भी यहाँ पे आपको कोट हुक मिल जाता है, तो कोट हुक आपको दोनों साइड मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे कमी है, वो है कैबिन लाइट। कैबिन लाइट आपको रियर में देखने को नहीं मिलती है, सो वो चीज़ मेरे को थोड़ी नेगेटिव लगी इसमें कि यहाँ पे लाइट होनी चाहिए थी, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है वो, पीछे कुछ रीड वगैरह करना हो आपको तो वो चीज़ काफ़ी यूज़फुल रहती है। सो यहाँ पे सेंटर में बात कर लेते हैं, तो सेंटर में रियर AC वेंट मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया से प्लेस किए गए हैं। उसी के नीचे यहाँ पे टाइप ए पोर्ट मिल जाता है और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। नीचे आप यहाँ पे हम देखोगे तो हम काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, तो ये चीज़ थोड़ी सी मिनिमाइज हो सकती थी। और एक चीज़ और मिसिंग मेरे को लगी इसमें कि यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर आपको नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको बता रहा था लगेज हुक काफ़ी दिए गए हैं इसमें, बूट में आपको 4 लगेज हुक जैसे देखने को मिले थे, यहाँ पे आपको पिलर पे भी यहाँ पे भी मिल जाएगा लगेज हुक, और उस पिलर पे भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऊपर यहाँ पे आप देखोगे तो रूफ आपको इसमें ब्लैक में मिल जाता है, आपको ब्लैक रूफ नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको क्रिएटिव मॉडल ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज का यहाँ पे सनरूफ भी मिल जाता है, जिसकी बात हम आगे जाके कर लेते हैं। सो रियर की बात होगी, रियर से फ्रंट में कुछ इस तरह से कैबिन लुक आ जाती है। सो अभी फ्रंट में चल जाते हैं और फ्रंट की बात कर लेते हैं। अभी फ्रंट डोर एसेस कर लेते हैं, तो फ्रंट डोर ओपनिंग कुछ इस तरह से मिल जाती है, काफ़ी वाइड ओपनिंग मिलती है। यहाँ पे आप देखो डोर पे देखोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फिनिश मिल जाती है, सॉफ्ट टच मटेरियल भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, फाइल्स वगैरह आप रख सकते हो, आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है यहाँ पे, स्पीकर मिल जाएगा, ट्विटर मिल जाता है, कुछ इस तरह से आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। तो काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे डोर की फिनिश की गई है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्रंट कैबिन कुछ इस तरह से मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया आपको प्रीमियम कैबिन यहाँ पे फील होने वाला है इस बार। सीट्स कुछ इस तरह से मिल जाती है, लेदरेट सीट मिल रही है जिनका कंफर्ट काफी बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है, एडजस्टेबल यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो सीट एडजस्टमेंट इसमें आपको मैनुअल ही देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिक दी जाती है तो काफी अच्छा रहता है। और फ्रंट सीट्स आपको ये जो मिल रही है, ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल रही है जिसका कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। सो गाइस फ्रंट कैबिन की लुक कुछ इस तरह से आ जाती है, काफी बढ़िया से यहाँ पे आपको कैबिन देखने को मिल जाता है। ऑन करके देख लेते हैं, तो जैसे ही ऑन करते हैं हम, सो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे इसको प्लेसमेंट की गई है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और उसी के साथ जैसे ही ऑन हम करते हैं तो कुछ इस तरह से एनिमेशन आता है, टाटा मोटर्स लिख के आता है और कुछ इस तरह से एनिमेशन आपको शो कर देगा, काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे भी आपको प्रीमियमनेस देखने को मिल जाती है। सो फ्यूल लेवल कम होगा या फिर कुछ भी चीज़ होगी तो ये वार्निंग देती है, जो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है।
वॉइस कमांड यहाँ पे आपको फीचर भी मिल जाते हैं इसमें। सो इसको बंद कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से पहले यहाँ पे स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग आपको बहुत ही बढ़िया स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट लेवल यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट मॉडल में। सो कुछ इस तरह से आपको डबल स्टिचिंग के साथ लेदर वर्क देखने को मिल जाता है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग में टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और उसी के साथ इल्यूमिनेटेड लोगो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, स्टैंड आउट करती है यार गाड़ी के लुक्स को, इंटीरियर लुक्स काफ़ी बढ़िया लगते हैं इससे। हॉर्न यहाँ पे मैं सुना देता हूँ, तो हॉर्न कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको। सो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि ये जो हॉर्न यहाँ पे जब भी आपने प्रेस करना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जोर लगा के यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, ये ग्लास वर्क काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो वो थोड़े बहुत यहाँ पे रह जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लेफ्ट में आपको मीडिया प्लस कॉल के यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे। तो राइट साइड यहाँ पे कंट्रोल जो मिल रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे सेट हो जाता है। सो कुछ इस तरह से स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। अभी एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। एडजस्टमेंट आपको खाली टिल्ट ही मिल रही है, टेलीस्कोपिक नहीं दी गई है। साइड यहाँ पे नॉब मिल जाते हैं वाइपर के, वाइपर आपको इसमें ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं और राइट साइड इसमें आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं और हेडलाइट लेवलर भी यहाँ पे ही दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट्स मिल जाती हैं आपको। सो गाइस अभी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको मिल रहा है 10.25 इंचेस का, फुल आपको यहाँ पे कलर्ड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे लुक आ जाती है, बहुत ही आपको यहाँ पे कम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। सो लुक वाइज यहाँ पे देख लो इसको, या फिर क्लैरिटी देख लो, क्लैरिटी बहुत ही अच्छी लगती है। डे लाइट में भी आप जब इसको देखोगे तो आराम से रीडेबल ये रहेगा। सो लेफ्ट साइड यहाँ पे इसमें टैकोमीटर मिल जाता है, राइट साइड स्पीडोमीटर मिल जाएगा। मीटर में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। नीचे आपको यहाँ पे ड्राइविंग मोड का बता देगा, जो कि इसमें सिटी इको एंड स्पोर्ट दिया गया है। इंजन टेम्परेचर शो कर देता है, ऊपर यहाँ पे कंपास यहाँ पे शो करेगा, तो बहुत चीज़ें यहाँ पे बताने वाली। क्लॉक यहाँ पे आ जाएगी, नीचे टेलटेल लाइट्स आ जाती हैं, ओडोमीटर यहाँ पे शो कर देता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी शो कर देगा। राइट साइड आपको इसमें फ्यूल गेज मिल जाता है और इसमें अभी और भी फीचर देख लेते हैं। जैसे ये देखो डोर ओपन हुआ तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले आ जाता है। सो इसमें और चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये चेंज की है, व्हीकल इन्फो आ जाएगा, नेविगेशन शो कर देता है। और नेविगेशन में जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे नेविगेशन शो हो जाती है, जो कि आपको टॉप एंड की गाड़ियों में यहाँ पे देखने को मिलती है, वो चीज़ इसमें भी डाल दी गई है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसमें इंप्लीमेंट की हैं वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती हैं। फिर नोटिफिकेशन भी शो कर देगा इसमें जब आपका फ़ोन यहाँ पे अटैच होगा। उसी के साथ यहाँ पे अभी और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी शो कर देगा, ट्रिप ए ट्रिप बी, देन इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ यहाँ पे शो कर देता है। और व्यू पे यहाँ पे चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाता है। सेंटर में आ जाएगा आपका स्पीडोमीटर, इसमें आप चेंज करोगे तो यहाँ पे राइट साइड आपका स्पीडोमीटर आ जाता है, वो भी डिजिटल में। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसमें व्यू जब आप प्रेस करते हो ये बटन और यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं व्यू। सो मेरे को यार काफ़ी बढ़िया लगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बढ़िया लगा है। ये आपको फ्लोटिंग टाइप में मिल जाएगा, 10.25 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है। टच रिस्पांस काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को इसमें। सो इसमें फ़ीचर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजोन एलेक्सा, आपको इसमें एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे से की गई है इसकी, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्ट करेगा फ्रंट का व्यू, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पे मेंटेन की गई है। यहाँ पे आपको एसी वेंट मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया से प्लेसमेंट की गई है इसकी। टेक्सचर वर्क कुछ इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है। उसी के नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो स्टिचिंग वर्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल प्रीमियम आपको इंटीरियर मिल जाता है इसमें। देन यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे आपको ये टच कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और प्रीमियमनेस यहाँ पे फील होती है आपको। बीच में यहाँ पे आप देखोगे तो हज़ार्ड बटन भी यहाँ पे टच में दे दिया गया है। सो ये चीज़ यार टच में नहीं, ये आपको फिज़िकल बटन ही देना चाहिए था, बिकॉज काफ़ी चीज़ें आप जब एक्सेस करते हो तो ये चीज़ प्रेस हो जाती है, तो ये अनोइंग रहेगा जब भी आप ऑन द गो इसको यूज़ करोगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो बटन आपको मिल रहा है ये फॉग लैंप का बटन मिल जाता है ऑन ऑफ़ करने के लिए। यहाँ पे पहले कंफ्यूज हो जाएगा जो भी इसमें फर्स्ट टाइम बैठेगा कि फॉग लैंप ऑन ऑफ़ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है फॉग लैंप का, फॉग लैंप ऑन ऑफ यहीं से हो जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे ये बूट ओपन का आ जाता है, देन ये लॉक अनलॉक का यहाँ पे आ जाएगा, डोर लॉक अनलॉक। तो ये 360 कैमरा व्यू आ जाता है, तो इसको प्रेस कर लेते हैं। कुछ इस तरह से कैमरा आपको मिल जाएगा। सो ये अभी 2D है, ये आपको फ्रंट का लुक आ रहा है। सो अभी 3D पे चल जाते हैं। सो 3D जैसे हम गए हैं तो कुछ इस तरह से यार लुक आ जाती है। काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे कैमरा लगा मेरे को, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी इस बार इसमें।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है इसमें, सीमलेसली ये वर्क कर रहा है इसमें 360 कैमरा। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कौन सा व्यू आपने देखना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे इसमें ब्लाइंड स्पॉट कैमरा भी मिल जाते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा कैसे वर्क करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे लेफ्ट टर्न मैंने किया है, तो लेफ्ट टर्न किया तो लेफ्ट वाला आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, और राइट साइड जैसे किया तो राइट यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाता है ORPM का। सो ये आपको कैसा लग रहा है यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो एंड नीचे आप देखोगे तो एसी कंट्रोल भी यहाँ पे आपको बिल्कुल टच में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑन किया है तो इसमें एक्सप्रेस कूलिंग ऑन हो जाती है, तो इसमें विंडोज़ भी नीचे हो जाएंगी जैसे इसने बताया। एंड फुल पे यहाँ पे फ़ैन ऑन हो जाता है जिसकी वजह से कूलिंग इंस्टेंट हो जाती है गाड़ी में, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इसमें। देन यहाँ पे आगे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एंड टाइप सी पोर्ट इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर देता है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी आपको। एंड गियरबॉक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल रहा है। तो गियर नॉब आप देखोगे तो आपको काफ़ी सिंपल सा लगेगा, कोई भी ज़्यादा लुक नहीं लगेगी इसकी कि इसमें आपको क्रोम वर्क दिख रहा है या फिर और कुछ। सो ये आपको बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे गियर नॉब मिल रहा है, और रिवर्स लगाने के लिए यहाँ पे इसको आपको ऐसे पुल करना पड़ेगा। उसी के साथ यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट चीज़ें यहाँ पे, जैसे पहले कलर चेंज होता था वो चीज़ें अभी चेंज नहीं होती है सिटी, इको एंड स्पोर्ट में। बस यहाँ पे नीचे शो कर देगा आपको सिटी, इको एंड स्पोर्ट का। इस तरह से आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाएगी, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कुछ इस तरह से आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, एडजस्टेबल नहीं है, ऐसे ही रहेगी ये। ओपन करने पे कुछ इस तरह से आपको स्पेस मिल जाती है, तो स्पेस डिसेंट आपको स्पेस मिल जाएगी, देखो कितनी ज़्यादा स्पेस मिल रही है। सो आप आराम से इधर सामान रख सकते हो। सो इसको क्लोज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम बैठोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा ओपन कहाँ से होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। जैसे प्रेस करोगे सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आता है, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स का भी फीचर मिल जाता है, तो वो चीज़ भी बहुत ही बढ़िया दी गई है। और यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डीप है ये, आराम से आपका सामान आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे फाइल भी आ जाएगी आराम से। तो यहाँ पे कप होल्डर भी मिल जाते हैं, फर्स्ट एड किट यहाँ पे मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। ऊपर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है। राइट साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता है। सेंटर में IRVM कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग के साथ आ जाता है। वाइट आपको यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉल का यहाँ पे बटन मिल जाता है, जिस तरह से यहाँ पे शो कर देता है कि पैसेंजर एयरबैग ऑफ या ऑन यहाँ पे किया गया है, उसका बटन वहाँ पे दिया जाता है। सनरूफ कुछ इस तरह से मिल जाती है आपको, स्टैंडर्ड साइज सनरूफ मिलती है, और यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है इसका। एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि जब आप यहाँ पे इसको बंद रखोगे तो ये बस इतनी ही यहाँ पे ओपन होता है इसका ब्लाइंड, इसके पीछे यहाँ पे नहीं जाएगा, ये तभी जाएगा जब इसको ओपन करेंगे। सो वन टच ओपन के साथ आता है ये, जैसे ही प्रेस किया देखना आप अब गया है ये पीछे। सो पहले ये इतना पीछे नहीं जाता है, तो ये ओपन करने पे ही ये पीछे जाएगा। सो अभी इसको क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने पे कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है ये, और ये देखो ब्लाइंड भी यहाँ तक आ गया। सो बाकी इसको आपको मैनुअली क्लोज़ करना पड़ेगा। सो ये यार ब्लाइंड थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, थोड़ा सा और पीछे जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। तो गाइस फीचर्स की बात होगी, अभी सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं देखने को, और बाकी आपको पता है ये बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया देती है टाटा। एंड उसी के साथ इसमें आपको ABS, EBD, ESC जैसे फीचर मिल जाते हैं, वो स्टैंडर्ड आते हैं, आपको स्मार्ट वेरियंट से ही स्टार्ट हो जाएगा जो बेस वेरियंट आता है इसमें। सो वो चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। इस प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये मॉडल है टॉप मॉडल पेट्रोल वेरियंट में, जो कि है फेयरलेस S+ मॉडल। मैनुअल में आता है ये, और मैनुअल वेरिएंट की आपको पड़ जाएगा ऑन रोड 15.37 लाख का। आपको कैसा लगा इसका प्राइस तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने आपके साथ सभी चीजें डिस्कस की इसकी। सो कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर पूछ सकते हो। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।